हेट स्पीच के बादशाह, जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने पर हम क्या कर सकते हैं, जिसकी खुलेआम धमकियां देते हैं, देश की पुलिस व प्रशासन को हड़काने का काम करने वाले अवैसी बंधु, जिन्होंने हमेशा तनाव तमस, देश को धमकी और भय की राजनीति की है, अब देश आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है, देश आपकी धमकियों को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मोदी गरीबों के मसीहा है, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सारे विरासत को बढ़ाते हुए देश के अंदर एक स्वच्छ राजनीति की। राहुल गांधी, आप कितनी बार निर्वाचन क्षेत्र बदलोगे? 5 वर्षों में आपने वायनाड में क्या किया, बताने को कुछ नहीं। हार का डर सता रहा है। वायनाड के लोगों के प्रति जो उनकी जिम्मेवारी थी, वहां से भागे। अब ये भाईचारा, ये भाई ने किसको चारा बनाया है, जीजी को या जीजा को, ये गांधी परिवार ही जाने या कांग्रेस जाने, उनका आंतरिक मसला है। पर भाईचारा या भाई का चारा कौन बना है, देश समझ गया है। गरीबी हटाओ के नाम पर 4 दशक तक झूठ, वादा खिलाफी की राजनीति करने वाले कांग्रेस व गांधी नेहरू परिवार आज निराशा व हताशा के वातावरण के अंदर हैं। हार की बौखलाहट से और अहंकार के कारण देश के 80 करोड़ गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि 80 करोड़ गरीबों को अगले 5 साल तक राशन देने की गारंटी यानी मोदी की गारंटी है। और मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ नागरिकों के जीवन में परिवर्तन लाकर उन्हें गरीबी से बाहर निकाला है। इस तरह गरीबों का मजाक